नमस्कार, यह रेडियो पीटी और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। एक है पीपल बाबा, लगा चुके हैं 2 करोड़ वृक्ष। प्रकृति प्रेम के इस विशेष सेशन में हम बात करेंगे पीपल बाबा की। ये सच है, 2 करोड़ वृक्ष लगाने वाले पीपल बाबा हम लोगों के बीच के ही एक व्यक्ति हैं, जिनका जीवन ही उनका संदेश है। पीपल बाबा का वास्तविक नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन है। 58 साल के पीपल बाबा हैं। इनका जन्म हुआ था 58 साल पहले चंडीगढ़ के भारतीय सेना में एक मेडिकल डॉक्टर के घर पर। छोटी सी उम्र में उन्होंने पूरे देश की यात्रा कर लेने वाले पीपल बाबा बनकर दिखाया और बहुत कम उम्र में पहाड़ों, नदियों और जंगलों के साथ में दोस्ती कर ली। जब वो 11 साल के थे तभी से उन्होंने अपने आसपास पेड़ लगाने शुरू कर दिए और लोगों के लिए वो प्रेरणा का संदेश बन गए। देखते देखते उनका भी शौक जुनून में तब्दील हो गया और फिर पीपल बाबा दुनिया के जितने भी पर्यावरणविद हैं उनके बीच में अपनी जगह बनाने में सफल हो गए। पहला पेड़ लगाया था पीपल बाबा ने पूना में 11 साल की छोटी सी उम्र में। उस समय 4थी कक्षा में थे वो। एक दिन उनके शिक्षक की बात सुनकर उनको प्रेरणा मिली और उसी दिन से पेड़ लगाने का उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। 26 जनवरी 1977 को पूना के मिलिट्री स्टेशन पर पीपल बाबा ने अपना पहला पेड़ लगाया। पहला पेड़ इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अब तक वो 2 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दाखिल करवा लिया है। ड्यूमिट्रीज नाम से उनका एक हॉबी क्लब शुरू किया था उन्होंने बचपन में ही और अब वो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष जैसा बन गया है, जिसमें शुरुआत में उनके दोस्त और सहपाठी हुआ करते थे। बाद में उन्होंने रास्ते में चल रहे लोगों को पकड़ करके उनसे बातचीत करके उनको भी मोहब्बत करा दी पर्यावरण से। अजनबियों से कहा कि पेड़ से प्यार करो और सबको इकट्ठा करके उन्होंने ड्यूमिट्रीज का काम आगे बढ़ाया। सिलसिला ऐसा चल निकला कि फिर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ड्यूमिट्रीज का वो छोटा सा पौधा जो एक विशाल वृक्ष बन गया है पूरी तरह पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट है। इस धर्मार्थ ट्रस्ट में जो मुख्य कार्यालय इसका है वो दिल्ली में है। इससे पूरे विश्व में एक पर्यावरण के प्रति और वृक्षों के प्रति प्रेम का दिया जलाया गया था जो आज मशाल बन गया है। ड्यूमिट्रीज ट्रस्ट आज भारत में सबसे बड़ा समुदाय आधारित स्वैच्छिक वृक्षारोपण और प्रकृति संरक्षण आंदोलन बन गया है। इन्हीं परिवर्तन प्रेमी स्वामी प्रेम परिवर्तन जी ने पीपल बाबा बनकर लोगों को इसलिए लुभाया क्योंकि उन्होंने अपना नाम भारत में वृक्षारोपण के कार्य से और विशेषकर पीपल के वृक्ष के रोपण से और संरक्षण से लोगों के बीच लोकप्रियता का मुकाम पाया। पीपल बाबा का ड्यूमिट्रीज नाम का प्रयास 3 तरह के उड़ने वाले बी इसके नाम पर है। 3 तरह के उड़ने वाले बी कौन से हुए? 3 बी हैं, बी बर्ड्स और बटरफ्लाई। बी आप समझ के मधुमक्खी, बर्ड्स चिड़िया, बटरफ्लाई यानी तितली। इनके लिए छायादार और फलदार पेड़, देशी पेड़ों का रोपण, संरक्षण और संवर्धन की प्राथमिकता उन्होंने तय की और आज दुनिया में ड्यूमिट्रीज ट्रस्ट ही ऐसा संगठन है जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके झंडे के तले पीपल के पेड़ लगाए गए हैं। सभी क्षेत्रों के स्वयंसेवक ड्यूमिट्रीज की टीम में शामिल हो गए हैं। मतलब बहुत बड़ी एक टीम है जिसमें हर क्षेत्र के लोग स्वयंसेवक बनकर शामिल हुए। देश भर में लगभग 11,500 से ज़्यादा स्वयंसेवक हैं ड्यूमिट्रीज के और इसमें ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले लोग भी हैं जो पौधों को संरक्षण देने में सहायता करते हैं। इन पेड़ों को विभिन्न सार्वजनिक और निजी स्थानों जैसे बाग, बगीचे, सड़कों के किनारे, राजमार्गों पर, एक्सप्रेसवे में और सड़क के मध्य भाग में, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय क्षेत्रों, सैन्य स्टेशनों, पहाड़ों और नदी के किनारों पर लगाया जाता है। अभियान टीम जो कि ड्यूमिट्रीज की अभियान टीम है उसके लिए सबसे अहम है गतिविधि सामुदायिक शिक्षा की, जागरूकता की और स्वयंसेवक जुटाने की। इसमें इनके स्वयंसेवक ड्यूमिट्रीज के लगे हुए हैं दिन और रात देश भर में। पीपल बाबा ने व्यक्तिगत रूप से ड्यूमिट्रीज ट्रस्ट के अभियान के माध्यम से, यानी दोनों तरह से, व्यक्तिगत रूप से भी और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, कुल मिलाकर अब तक 20 मिलियन से अधिक पेड़ लगा दिए, यानी 2 करोड़ जो मैंने कहा था उससे ज़्यादा। उनके संरक्षण में भी वो मदद करें, यही कारण कि पीपल बाबा का संगठन ड्यूमिट्रीज भारत में सबसे बड़ा स्वैच्छिक वृक्षारोपण आंदोलन बन गया है। पीपल बाबा ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है, साथ ही साथ वो पत्रकार भी हैं। जी हाँ, मॉस कम्युनिकेशन में उनकी मास्टर डिग्री भी है। वे कॉलेज के छात्रों को पढ़ाते हैं और अपना शेष समय यात्रा करते हुए लोगों को पेड़ लगाने की कला सिखाने में बिताते हैं।
प्रोफेसर पीपल बाबा कहेंगे हम उनको। प्रोफेसर पीपल बाबा ने न केवल प्राकृतिक खेती की तकनीकों को बढ़ावा दिया है बल्कि वे जैविक खेती की भी बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप जानते हैं। वे ग्यूमी ट्रीज के साथ ही देशी गाय गोबर खाद, खाद बनाना, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित पट्टी और शहरी वनों के रूप में सघन वृक्षारोपण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने लगभग 15 लाख से ज़्यादा पीपल के पेड़ लगा दिए हैं और इसके अलावा लगाए गए वृक्षों में पीपल के अतिरिक्त अन्य किस्में भी हैं जिसमें बरगद है, पिलखन है, जामुन, आम, नीम, शीशम, बबूल के पेड़ों की किस्में भी शामिल हैं। इतने सारे पेड़ लगा करके कुल जो हो गए उनकी संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। सिर्फ पीपल के ही पेड़ जो हैं वो 15 लाख है। देश भर में अपनी यात्राओं के माध्यम से पीपल बाबा बच्चों को सामाजिक क्लबों में जाकर समाज अलग अलग सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर गैर सरकारी जो संगठन है वो भी बुलाते हैं। उनके मंच पर खड़े होकर कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और दूसरे संस्थानों के बीच जाकर लोगों को बताते हैं कि वृक्षों व प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव रखो, इनके साथ ही जीवन है, वरना जीवन खत्म है अगर प्रकृति खत्म है। चलता हूँ, फिर मिलूंगा मैं इसी तरह से प्रकृति के प्रेम से संबंधित दूसरा एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर। तब तक बस आपको एक ही काम करना है, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। रेडियो 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 रेडियो, 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 रेडियो।